हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? पिक्चर तो आप आपसे थोड़ा कम कपड़े हो चुका है। अब हेयर करना बाकी है, तो पहले मैं डार्क चारकोल पेंसिल नहीं लाइट यूज कर रहा हूँ। पहले डार्क एरिया को मार्क करेंगे, उसके बाद लाइट थोड़ा ऊपर से डार्क करके निचले हिस्से तक लाइट लाएंगे। लाइन लाइन ड्रॉ करके करना है, थोड़ा डॉट डॉट डेकोर करना है। पूरी नहीं, पूरी स्टडी नहीं करना है, थोड़ा गैप छोड़ के करना है, क्योंकि वो छोटे छोटे हेयर वाला लुक आएगा तो अच्छा लगेगा पिक्चर में। मैं नहीं जानता, मेरा हिंदी लैंग्वेज है, इतना आशा रखता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा। ये मेरा पहला उड़े वाला वीडियो है। पहले डार्क कर देंगे यार के ऊपरी हिस्से को, जो लाइट जहाँ पर लाइट करना है उसको बाद में 2B पेंसिल और HB से कर लेंगे। थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना है, मैं चारकोल का डार्क पेंसिल यूज कर रहा हूँ, जो डार्क एरिया को और ज़रा डार्क करने के लिए। थोड़ा ऊपर, थोड़ा मिडिल में थोड़ा रह गया। गलती से भी चारकोल पेंसिल को लाइट एरिया में नहीं चलाना है, जिससे पेपर खराब हो जाता है, क्योंकि वो इरेज करने पर भी अच्छे से नहीं मिटता है। मैं शेडिंग के लिए एयरबोर्ड यूज कर रहा हूँ, बस इजीली हो जाता है इसमें। अब मैं लाइट एरिया को सेट करने के लिए अप्सरा का 2B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, थोड़े थोड़े हल्के हल्के से कर लेंगे। ड्राइंग में जितना टाइम पिक्चर में दे सकते हैं उतना परफेक्ट पिक्चर बनेगा। हल्का हल्का से लाइट लाइट एरिया से शेडिंग करके डार्क एरिया पे लेंगे। फिर से जहाँ पर डार्क एरिया छूट गया है उसके ऊपर मार्क कर देंगे डार्क पेंसिल से। मैं अभी वीडियो स्पीड कर देता हूँ। हमारा साइड के हेयर कंप्लीट हो चुका है, हम ऊपर के हेयर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए पिक्चर को ऑब्जर्व करके पिक्चर जैसा हो उसके जैसा बनाना है। पर मेरे पिक्चर में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन थोड़ा बैंड बैंड के जैसा है, इसलिए तो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। गैप में देख लाइन ड्रॉ करना है, थोड़ा साइड में छुट गया है उसको कर देंगे। लाइन को थोड़ा गैप दे देकर कर सकते हैं, जिससे मेरे पीछे को अच्छा लगेगा। गैप ना देकर कर सकते आपकी मर्जी। चारकोल का डार्क पेंसिल यूज कर रहा हूँ, उसके बाद ग्राफिक पेंसिल यूज करूँगा। से लाइट से ड्रॉ करेंगे, लाइट खींचेंगे।
हमारा हेयर कम्प्लीट हो चुका है, हम मुसल बनाएंगे, पहले लीप कर देते हैं। लीप करने के बाद प्योर जो थे लीप को हल्का से कलर आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। अब बियर्ड बनाने के लिए चारकोल का लाइट पेंसिल यूज कर रहा हूँ, डार्क भी यूज करेंगे, ग्राफाइट को लास्ट में यूज करेंगे, थोड़ा लाइन ड्रो कर रहा हूँ कैप देकर, उसमें बियर्ड में एक अच्छा वाला लुक आएगा। बियर्ड के साइड बियर्ड को सीधा लाइन देकर उठाना है और निकले इसके नीचे वाला बियर्ड को हल्का से लाइन देख रखना है। मुस्टाच को लाइट चार्कोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ, वो डार्क ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। पहले मैं कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से शेडिंग करेंगे और डार्क पेंसिल से इफेक्ट देंगे। यहाँ पर हेयर को ज्वाइन करेंगे व्यूअर से लाइट चारकोल पेंसिल से, छोटे छोटे डॉट बनाएंगे और डार्क चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे। हर क्रिया को सीखने के लिए पिक्चर को ऑब्जर्व करके कैसे धीरे 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 कर सकते हो। थोड़ा डार्क डार्क कर देंगे और ग्राफाइट पेंसिल का यूज करेंगे। लिप को थोड़ा कर देंगे, लिप को बाद में करेंगे तो ही चलेगा, पहले कर देता हूँ। इस लिप को बनाने के लिए लिप के मिडिल पार्ट से थोड़ा नीचे लाइनें ड्रॉ करेंगे, ऊपर को ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा बेंड करके ऊपर ऊपर की तरह। लिप के निचले हिस्से में ज़्यादा मार्क नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पेंसिल से मार्क कर देंगे। मुस्टाच को थोड़ा ऑफसेटिंग कर देंगे, यहाँ पर रह गया लिप, थोड़ा सेटिंग कर देंगे। मैं सेटिंग के लिए तो एयर बॉडी यूज करूँगा। यहाँ पर बस बियर्ड को अच्छा वाला बियर्ड के लुक में आ गया। यहाँ पर कुछ रह गए, इसको ही पूरा कर देंगे। सेटिंग करने के लिए आप पेंट ब्रश भी यूज कर सकते हैं। यार में कुछ रह गए, उसको भी कर देंगे। ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग गया इसलिए सब्सक्राइब कर देना।